जैसे स्कूल में देते हैं ना मॉडल बनाने के लिए, इसका मॉडल बना के लाओ, वैसे ही ये एटम का मॉडल कैसा होगा, अब हर कोई सोच रहा है कि एटॉमिक मॉडल कैसा होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया, ये सब एटम के अंदर हैं, बट एटम में ये कैसे हैं, कहाँ हैं, ये किसी को अभी नहीं पता। इतना पता है कि इसके अंदर है, ठीक है, मगर कैसे प्लेस्ड है ये किसी को आइडिया नहीं है। तो एटॉमिक मॉडल भी हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने ढंग से दिया, तो मुझे लगता है ऐसा होगा, एक बोलता है मुझे लगता है ऐसा होगा, ठीक है, इस ढंग से बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं, तो हर किसी ने अपने अपने पोस्टुलेट एजम्पशंस दिए, तो सभी के इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने दिया, फिर उसके बाद कोई और आया, फिर उसके बाद कोई और आया, है ना, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल की नेसेसिटी क्या पड़ी है ना, या व्हाई वाज इट नेसेसरी टू हैव द कॉन्फिगरेशन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, तो ये हम पढ़ेंगे अगले पेज में, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन्हीं को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम्स के अंदर है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, तो फर्स्ट क्या था, रेकॉर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो हमारा एटम है वो स्टेबल है कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही में रुका हुआ वैसे कि चलता जा रहा है यहां से वहां, मूविंग है कि स्टैटिक है ना, ये सब अभी नहीं पता है। उसके लिए मॉडल्स हमें चाहिए होगा किस टाइप का बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो एक हो गया बिहेवियर, टू कंपेयर बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल। जैसे कोई भी एलिमेंट हार्ड क्यों है, तो उसके पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, या तो इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम होगा तभी ना, सॉलिड लिक्विड गैस का पड़ा होगा, जो अंदर एटम्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है किसमें, सॉलिड में, फिर थोड़ा ज्यादा होता है लिक्विड में, और बहुत दूर दूर होते हैं गैस में, है ना। तो अगर हम लोग ये जानेंगे कि किस ढंग से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी पता लग पाएगा इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज है वो इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो प्लेसिंग्स है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, दूर दूर है कि पास पास में है, मूविंग है कैसे, या टकरा रहा है ना, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चैलेंजेस हमारे पास मेन थे, और भी इसके बाद थे, ठीक है। एक और क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स यानी जैसे दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से मिलकर H2 बना रहे हैं, है ना, जैसे कंपाउंड दो बना रहे एटम्स हैं मिलकर, H2O, है ना, तो ये सब कैसे कंबाइन हो रहा है, कोई एच जो है ओ से ही क्यों कंबाइन हो रहा है ना, या एच से ही क्यों कंबाइन हो रहा है, किसी और ऐसी चीज से कंबाइन क्यों नहीं हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का कोई कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है, तो ये सबके प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करेगा, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस ढंग से प्लेस्ड है ना, कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन है कौन सा नहीं है ना, तो ये सब बॉन्डिंग्स बताएंगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिन, ओके, एंड नेचर, ठीक है, ऑफ ईएम रेडिएशन, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स जो बन रहे हैं वो सारे फील्ड्स के अंदर क्या है, मेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही सब है, वही सब किस ढंग से बिहेव करेंगे वो पता होगा, तभी तो हम लोग ये वेव्स को सोच सकते हैं ना। तो वेव्स तो बाद में आए, पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब का नेचर देखा, ये कैसे बिहेव कर रहा है ना, उसके हिसाब से आगे का डिसाइड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, इसको क्लियर करेंगे, ये समझ में आ गया ना। कोई पूछ सकता है कि व्हाट वेयर द चैलेंजेस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलेगा, तो एक ही बात है ना, सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर क्या क्या है, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले जो थ्योरी दिया वो दिया हमारे साइंटिस्ट थॉमसन जी ने, ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से हम बोलते हैं, ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। कब दिया इन्होंने? इनका पूरा नाम जे जे थॉमसन ले सकते हो, जे यस जे सर, थॉमसन। और कब एटीन दिया? नाइनटी तो एट 1898 है ना, ये हो गया। ओके, तो इन्होंने बताया कि एटम ऐसा है, इस टाइप का एक स्फेरिकल शेप में है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सर्कुलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है? ये सारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता यस सर, है ना, ऑर्बिट पर। लेकिन इन्होंने जो मॉडल दिया उसमें बाहर नहीं घूम रहा है, उसमें सारे अंदर है, और जितना भी बाकी ओके बच गया वो सारा स्पेस कौन कवर कर रहा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, इसी के अंदर माइनस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, और भी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि एटम एक स्फीयर टाइप का है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और पॉजिटिव जो है बाकी जितना भी स्पेस बच गया इन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के वो सारा इनके हिसाब से क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव, रेडियस कितना बताया उन्होंने? रेडियस इज 10 पॉइंट माइनस टेन, टेन अप्रोक्सीमेटली का पावर माइनस टेन तीन मीटर। -10, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम माइनस, होगा ना, हाँ वो भी वही या होगा। 10 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो एक ही बात है। ओके, तो इस मॉडल को और भी नाम बहुत सारा दिया गया, क्या क्या दिया गया? एक है प्लम पडिंग, ठीक है, प्लम पडिंग, और दिया गया रैसिन पडिंग, ठीक है, और दिया गया वाटरमेलन। वाटरमेलन तो पता ही होगा, वाटर मेलन मतलब तरबूज टाइप का है ना, और उसके वजह से हम बीज यस देखते हैं सर, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बाकी जो भी रेड वाला पोर्शन है वो सारा का सारा एक तरह से पॉजिटिव वाला चीज जगह ले रहा है, पॉजिटिव। मतलब एक तरह से प्रोटॉन है ना। तो इन्होंने आगे और भी बहुत सारा काम किया था, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखाया था बाई गैसेस, 1906 में इनको अवार्ड मिला था नोबल प्राइज, ठीक है, फॉर फिजिक्स 1906 में। लेकिन अभी नहीं, 1898 में जो उन्होंने मॉडल दिया ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, शुरू में लोगों ने यही माना है ना, जब तक कि आगे और कुछ डिस्कवरी नहीं हुई, ठीक है, आगे और एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किया। तो अगर तुमसे थॉमसन मॉडल पूछेगा तुम यही बताना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे, ड्रॉबैक्स क्यों थे? क्योंकि आगे जाके ये सारे गलत साबित हो गए, है तो इसने पूरी तरह से क्लियर सब कुछ नहीं बताया। फिर भी जैसे एक स्फीयर का साइज बताया कि स्फीयर शेप में है, एक एटम का साइज दिया 10^-10 मीटर में, तो बहुत जगह से हेल्प भी किया, ठीक है। उसके बाद आए रुदरफोर्ड, है ना, रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, इसका भी स्क्रीन शॉट ले उसको क्लियर कर देते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट नहीं है, इस पर क्वेश्चन भी उतने ही कम आएंगे, जितना लेट कोई चीज़ आया उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर, ठीक है, फिर भी ज़्यादा जानना यस जरूरी है सर, सब चीज़। ओके, मैं क्लियर कर लूँ। रुदर फोर्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल एक तरह से मान लो हीलियम 2+, ठीक है, और इसमें क्या किया, एक लेड प्लेट लिया, अल्फा पढ़ के ना, बड़ा नहीं है ये तो, मैंने बस समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, और इस यहाँ से स्ट्राइक किया, यहाँ से यह है सोर्स एक तरह ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से एक लेड प्लेट से होके जा रहा है, लेड प्लेट, ठीक है, और ये जाके स्ट्राइक कर रहा है किस पे? तो एक हमने लिया है यहाँ पर गोल्ड फॉयल पतला सा, ठीक है, इस पे स्ट्राइक किया, और यहाँ हमने एक सर्कुलर ऑर्बिट से इसको ऐसे घेर दिया, ठीक है, ताकि हम पता कर पाए कि स्ट्राइक करके कहाँ टकरा रहा है, तो बस और छोटा बना देता यस हूँ, ठीक है, ऐसे हमने एक फोन ले लिया, इसको चाहो तो ऐसे डबल भी बना सकते हो, इसको थोड़ा और सुंदर बनाना, मैंने तो अच्छा नहीं बनाया, ठीक
ठीक है। और इसमें ऐसे क्रॉस क्रॉस भी ऐसे साइंस दे सकते हो, जहां पे स्ट्राइक हो रहा है, जहां हमें दिखा स्ट्राइक, ठीक है, इसके सामने यहां पर बिल्कुल स्ट्राइक नहीं हुआ, इसके नीचे और साइड में स्ट्राइक होके वापस लगेगा, ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट जाएगा वो तो वहीं से वापस आ जाएगा ना, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहां से ऐसे ही डैश डैश एरो दे सकते हो किस तरफ स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये अंदर वाला ये क्या है? और तो बीच में गोल्ड स्ट्राइक क्यों नहीं फॉयल, करेगा सबसे मिडिल सबसे मिडिल में जैसे तुमने कोई गोल्ड फॉयल अगर लिया है तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट में? जाएगा, तो वहां से पार नहीं हो पाएगा ना, वहां से उसको पार होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर ये डिफ्लेक्शन ही होते हैं, बहुत एकदम पार होके जाएगा तब ना यहाँ पे स्ट्रेट में लगेगा, तो यहाँ पे लगना तो मुश्किल है, क्योंकि हमने कोई प्लेट लिया हुआ है ना, तो स्ट्राइक करके इधर उधर स्लाइड होगा, लेकिन एकदम स्ट्रेट जाना मुश्किल है ना, इसीलिए तुम्हारे देखा फिगर में भी नॉर्मली यहाँ पे एकदम स्ट्रेट में कभी नहीं देगा कोई भी क्रॉस या प्लस, है ना, तो वो थोड़ा सा याद रख, ठीक है। ठीक ओके, नाउ यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टमेटिक नहीं है, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, ये सब हम क्या ले रहे हैं, एक तरह से एटम्स, ठीक है। अब यहाँ से यही अल्फा पर जो हमने ऊपर दिखाया है उसी को अलग ढंग से अब दिखा रहे हैं, जैसे यहां से कोई लाइन जा रहा है तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो लाइंस हैं वो सारे बिल्कुल क्रॉस कर जा रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लाइंस डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ये सब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जहां से स्ट्राइक किया बिल्कुल सीधे सीधे मिल गया, इससे हमें क्या क्या समझ में आया है ना, बहुत कम है जो कि डिफ्लेक्ट हुआ, बहुत कम डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, बहुत कम ही टकरा के यहाँ वहां गया, बाकी सारे मैक्सिमम जो हैं वो बिल्कुल अपने स्ट्रेट पाथ में क्यों चले गए, ऐसा क्यों हुआ? देखो ये मान लो एटम है ना, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर में ऑर्बिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में एक मान लो कहीं कुछ डेंस डेंस एरिया है, ठीक है, तो इसके बीच से कहीं से भी जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा बिल्कुल, है ना, अगर इस डेंस एरिया पे पड़ेगा इस पर तभी जाके वो यहाँ या वहां ऐसे टकरा के कहीं भी जा सकता है ना, लेकिन अगर ऐसे जाएगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है उसके पार हो जाने की या टकरा के वापस आने की, वो स्ट्रेट लाइन में पार ही हो जाएगा। हाँ, तो मैक्सिमम एरिया हमने देखा कि इसके अंदर खाली है ना, मैक्सिमम एरिया इसमें हमें खाली मिला, तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि मैक्सिमम एरिया तो खाली है, तो जैसा कि पहले थॉमसन जी ने कहा था कि हर जगह पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि तो जब हमने यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पास किए तो सारे के सारे पास होते जा रहे हैं, बहुत कम ही है जो कि वापस या उसी उसी पाथ से वापस आ रहा है या फिर हल्का फुल्का डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें एक दो ऐसे ही डिफ्लेक्ट दिखा सकते हो इधर उधर, यहाँ से एक ये ऐसे गया, तो जो भी तुम्हारा, हाँ बोलो बोलो, अगर एटम के अंदर सारा स्पेस खाली है तो फिर इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर में चक्कर मारता है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो इस पतले किसके वाले एरिया अंदर? में जो पतला सा बनाया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो रिवॉल्व करता रहता है आउटसाइड से एक ऑर्बिट में, तो हाँ पढ़ा ना पहले ऑर्बिट में दो फिर चार, तो मतलब ये बहुत कम स्पेस लेता है इलेक्ट्रॉन, और बिल्कुल जैसे स्पेस देखा तुमने, स्पेस जो तुमने मतलब ऐसे तो गई तो नहीं होगी स्पेस में, पर फिर भी हमने गूगल में देखा ही है, तो स्पेस में मैक्सिमम जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, सन भी है मून भी है, लेकिन उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा खाली है ना, वहां पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम सैटेलाइट लॉन्च करते तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो कहीं नहीं टकराएगा, क्योंकि तो मैक्सिमम एरिया क्या है, खाली है, उसी तरह से एटम के अंदर भी मैक्सिमम एरिया खाली है, एकदम बीच में एक हमारा डेंस एरिया होता है, ठीक है, जो हम न्यूक्लियस कहते हैं, और बाहर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, तो इससे हमें पता लगा कि यस सर, इसमें जो हमने पहले सोचा था कि एकदम अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है, कुछ इसमें अलग है ना, तो अब इसके हम देखेंगे पोस्टुलेट्स क्या क्या इन्होंने दिए, ठीक है, ये तो मैंने डायग्राम तुम अच्छे से बना लेना, मैंने तो ऐसे बनाने के लिए दिया है, यहाँ से ये हीलियम पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्राइक, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या इस बेसिस पे पोस्टुलेट्स दिया वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज में।
तो इसका फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ एज पर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, क्या क्या इन्होंने जब भी आएगा इसके पोस्ट मैक्सिमम यही आता है कंक्लूजन या पोस्टुलेट्स क्या क्या है, ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। द मतलब इसका मतलब कि एटम में अधिकतर स्पेस खाली है, और अधिकतर जो हाँ भी, हाँ, अधिकतर जो पॉजिटिव चार्ज और जो भी है वो एक ही जगह पे है, उसी को न्यूक्लियस नाम दे दिया गया है, जहाँ पे एक जगह इकट्ठा हाँ है वो। बिल्कुल, जो एक जगह इकट्ठा है वो भी बिल्कुल सेंटर में है, एटम के बिल्कुल सेंटर हाँ में है ना। और जो भी नेगेटिव और चार्ज जो है भी, दे आर जस्ट हाँ, रिवॉल्विंग और अराउंड। एटम में यानी कि न्यूक्लियस का कोई नहीं था, डिस्क्राइब नहीं किए थे वो न्यूक्लियस। हाँ, पहले ये सब क्लियर नहीं पता था ना, पहले तो था कि खाली पॉजिटिव है और नेगेटिव है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें न्यूक्लियस वर्ड भी आया, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, डेंस एरिया में है, बीच वाला एरिया बिल्कुल खाली है, और एक सर्कुलर, और ये भी है इसकी सर्कुलर ऑर्बिट में ही चक्कर मार रहा है, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मार रहे हैं ना। इसके बाद हमारा आएगा KLMN शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये सब आएगा बाद में, बोर वगैरह भी बाद में आए ना, उन्होंने और एडवांस दिया, जैसे पहले मोबाइल बहुत छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, स्मार्टफोन आ गया है ना, पहले लैंडलाइन फोन होता था, तो धीरे धीरे सारे डिस्कवरीज एडवांस होती हैं, है ना। अब जो भी हो गया उससे अच्छा ही और मोबाइल या लैपटॉप्स आएंगे, है ना, पहले के मुकाबले, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एंड मास भी, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, ठीक है, वाज डेंसली, डेंसली मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या में एक ही जगह पे है ना, वाज डेंसली कंसंट्रेटेड, हाँ, वाज डेंसली कंसंट्रेटेड, जमा है, कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, बहुत ही छोटे जगह में ही सब जाके घुस गया, इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, ठीक है, इसी को हम बोल देंगे क्या, न्यूक्लियस। कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना। और जो पॉजिटिव पार्टिकल क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, यहीं पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कॉल्ड एज प्रोटॉन, ठीक है, ये एक पॉइंट हो, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स, है ना, ये सर्कुलर पाथ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स भी इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम ऑर्बिट्स बोले। तो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड, इसका वेरी हाई स्पीड है, ठीक है, वेरी हाई स्पीड, ठीक है, मूविंग इन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट्स, इनको हमने ऑर्बिट्स का नाम दिया, ठीक है। रिसेम्बल्स यस, द सोलार सिस्टम, रिसेम्बल्स हाँ, द सोलार सिस्टम, जैसे सब जगह हो रहा है पूरी दुनिया में इतना बड़ा बड़ा चीज, वही छोटे लेवल पर भी वही हो रहा है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स हाँ एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अटैच में रहता है, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ फोर्स के ऑफ अट्रैक्शन के चलते उन उसके साथ हाँ जो बंधा फोर्स ऑफ रहता है। अट्रैक्शन पढ़ा है ना पहले, जब कोई भी दो बॉडी है उसके बीच में यस भी फोर्स लगता है, फिजिकल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ा ही था, है ना, कितना डिस्टेंस पे उस पर डिपेंड करता है इन्वर्सली, और क्या मास है दोनों का उस पर, है ना। तो दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय यस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है।
तो ये 3 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो नहीं याद रहेगा फिर भी चलेगा, पर ये जो 3 पॉइंट जो ये सब क्या होगा, एक किस्म के कंक्लूजन जो उन्हें लास्ट में कंक्लूजन निकाला, ठीक है, यही मेन था जो उनके हिसाब से हुआ कि ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें मिल गया हमें प्रोटॉन और दूसरा मिल गया न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में दोनों चीज हो गया। सेकेंड पॉइंट में मिल गया हमें क्या, इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा ऑर्बिट्स, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस यस में, सर, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में, है ना, सर्कुलर पाथ। और लास्ट हो गया ये सब एक ही जगह क्यों, इलेक्ट्रॉन बाहर जम करके भाग क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये पढ़ा होगा, है ना, तो ये दोनों तो अट्रैक्ट कर राइट, रहे हैं एक दूसरे को, मगर फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं घुस जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए, या जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सबको घुस जाना चाहिए सन के अंदर अगर अट्रैक्शन है तो, पर सारे घुस क्यों नहीं जा रहे हैं। एनी फिर आइडिया? रिपल्सन भी होता होगा। रिपल्शन कैसे हो जाएगा, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो तो अट्रैक्ट ही होंगे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन और हमने जो प्रोटॉन का बात किया तो ये तो दोनों आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे ना। हाँ देखो कोई बॉडी है, मान लो यहां से कोई इसको खींच रहा है, ठीक है, और यहां से भी कोई इसको खींच रहा है, क्योंकि खाली एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है, बहुत सारे हैं ना, तो अगर मैं किसी को खींच रहा हूं तो उसको कोई और भी तो खींच रहा है उस तरफ, तो इसलिए बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए लास्ट में जितने भी अंदर जाना था या बहुत दूर जाना था वो तो चले गए, लास्ट में जो स्टेबल है वही हमें दिख रहा है, जो स्टेबल नहीं था वो तो खत्म हो गया ना। अगर कोई प्लैनेट का ऐसा पोर्शन होता जो कि सन के अंदर चला जाता वो तो जाके सीधा जल गया ना, तो बचा ही नहीं, जो बच गए वही हमें दिख रहे हैं, है ना, समझ में तो आया, जो बच तो इसीलिए गया वो जाना, है क्या, फिर से बोलो। जो आप बोले ना कि जो आप जैसे जितना पार्ट था जो चला गया वो जल के खत्म हो गया, जितना पार्ट नहीं हाँ गया वो हम देख रहे हैं, तो वो जो पार्ट बच गया वो नहीं अट्रैक्ट हो सके जा सकता है। हाँ देखो यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पर भी एक एटम है ना, यहाँ भी एक एटम यस सर, है, यहाँ भी तो ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, है ना, एक किसी को अट्रैक्ट कर रहा है ना, और एक इस ढंग से एंगल में है कि वो इसको एक दूसरे को, जैसे ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे लगा रहा है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी का फोर्स लग रहा है, तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई और भी एक फोर्स लगा रहा है जैसे तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हो, पूरी दुनिया में हर कोई अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इतना डिस्टेंस है कि उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ पा रहा है, समझ समझा मेरी बात, जैसे ये कोई दो चीजें हैं, यस एक तो ग्रेविटी का असर है ना, मतलब ऐसे हजारों फोर्स हैं जो एक्चुअली एक्ट कर रहे हैं, बट हम लोग बहुत कम लेवल का पढ़ रहे हैं, लेकिन फोर्स मल्टीपल टाइप्स के हैं, चार्जेस भी हैं, और हर कोई एक दूसरे को अलग अलग ढंग से खींच रहा है, कहीं को रिएक्शन हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें एक बार में हो रही है जो हमें दिख भी नहीं रहा है, जो हमें एनवायरमेंट में हो रहा है वो हमें दिख भी नहीं रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहे हैं ऑलरेडी जो कि हमें नहीं दिख पाता है ना, तो ये समझ, जैसे तुमने वो पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है। हाँ, सेंट्रीपिटल जो मतलब कि सेंटर की ओर अट्रैक्शन लगाता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो हाँ रिपल्सिव करती हाँ जो बाहर खींचता है ना, तो एक तरह समझ लो वही लो लेवल का था, है। अब हाँ, और समझ लो फिर कि हाई लेवल में ये कि मल्टीपल फोर्सेस दोनों एक्ट कर साथ रहे में रहता हैं। है तो बैलेंस में रहता है। हाँ तो बैलेंस, वही बैलेंस बना हुआ है, समझ लो जो भी अंदर खींच रहा है उसी ढंग से उसको कोई बाहर भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस ढंग से जो सारा टोटल फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से हर चीजें ऑर्बिट में घूम रही है ना, इसीलिए स्टेबिलिटी बना है स्पेस वगैरह में, जो हमारा ये प्लैनेट घूम रहे हैं वो सब क्यों बन रहे हैं, ये स्टेबिलिटी क्यों है, ये ऑर्बिट्स में क्यों घूम रहा है, ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेस, किसी एक फोर्स के कारण नहीं, है ना, अच्छा, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो हमने जो फोर्स पढ़ा था m1 m2 बाय r स्क्वायर या g इनटू, तो इसमें खाली m1 m2 नहीं है, बहुत मासेस एक्ट कर रहे हैं, बहुत फोर्सेस, बहुत बॉडीज हैं, लेकिन हम लोग ऐसे लो लेवल पे पढ़ रहे हैं ना कि एक्चुअली कैसा होता हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया यस सर, है, ओके, कि ये भी हो हाँ गया। ड्रॉबैक्स क्या क्या हुए, इसके ड्रॉबैक्स भी आता है, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुए, तो इसमें तुम्हें वही लिख देना है कि एक्चुअली इसमें हमें क्लियरली ये नहीं पता लग पाया कि KLM में अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, एक तो ये लिख सकते हो, और इसमें कोई ऐसा पॉइंट वाइज तो मेरे ख्याल से नहीं दिया है, और एक और भी लिखा हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एनर्जी के बारे में भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
लास्ट वाला जो है ड्रॉबैक ऑफ प्रोटॉन इज दैट इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वो अच्छे से एक्सप्लेन इस चीज को नहीं कर पाए, जैसे जो कि बाद में आएगा। मैंने बताया ना के एल एम एन जो शेल बने कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिर अगले में 8, इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चीज इन्होंने क्लियर नहीं बताया है ना। ये जाके आगे वाले में आएगा, है ना। ओके, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो डेवलपमेंट में क्या क्या रोल आया, दिस वेयर ड्यूल कैरेक्टर जो मैंने पढ़ाया था, शायद ड्यूल कैरेक्टर, तो ड्यूल कैरेक्टर पढ़ा था, हाँ, याद है ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, है और पार्टिकल, ना, ये तो पढ़ा था हमने। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी शायद बताया था ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम मतलब पूरा हाँ नहीं स्पेक्ट्रम बना एटॉमिक था, अलग अलग स्पेक्ट्रा नहीं, कलर्स का, रेड ग्रीन ब्लू, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता वो है, तो फ्रिक्वेंसी, पढ़ा था ना अलग वाला। वेवलेंथ अकॉर्डिंग। हाँ, तो उसका एक डायग्राम अच्छे से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कुछ कैलकुलेशन करेंगे पता होना चाहिए किस रेंज में कौन सा रेज है, ठीक है, उस पर डिपेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन पढ़ाया ही था। ओके, स्पेक्ट्रम, साउंड वेव्स, सिंपल। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोसीड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ना लिख दोगे इससे भी काम चल जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसका शेप हमारे बुक में बना हुआ है ना, ऐसे एक जा रहा है ये तो और एक पढ़ाने थी। चुके हैं। हाँ, तो ये वाला अच्छा, इसमें और क्या क्या बताया था बताओ, प्रॉपर्टीज। और इसे किसी भी मीडियम का नीड नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, गुड। और तीसरा, और फिर था वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग वेव्स होते हैं। मतलब कुछ सभी वेव्स के ऐसे हैं वेवलेंथ जिनको अलग सुन होंगे, सकते है हैं, और कुछ ना। वेव्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। हाँ, ओके, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। ओके, ये हो गया, ठीक है। इसका एक डायग्राम नीचे जो है वो मैं नहीं बना रहा, बनाना, वेव नंबर तो हो ही गया, ये सब हमने क्वेश्चंस किए, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, पार्टिकल नेचर भी कर ही लिया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सब शायद नहीं पढ़ा था, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाया था नहीं मैंने, नहीं ये नहीं पढ़ाया था ना। ओके, ये वाला देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पार्टिकल नेचर शायद मैंने कुछ पढ़ाया था इसका, क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो पढ़ा ही था, है ना। अच्छा देखो ये क्या एक तरह का डब्बा है, ठीक है, तो इनका ये कहना था कि जो लाइट भी है या जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो वो सब भी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है। जैसे जब हम लोग सन रेज देखते हैं कहीं घर से घुस रहा है तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं ना, डस्ट पार्टिकल जिसको हम समझते हैं, देखा है। तो उनका यस कहना था कि जो लाइट है या ईएम वेव्स हैं इन सब में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अलग अलग बिंदी में ऐसे बटा हुआ, एकदम कंटिन्यूअस कोई चीज नहीं है, ठीक है। जो हम लाइट का रेज बनाते हैं, रेज एक्चुअली मतलब लाइट का रे ऐसा होता है इनके हिसाब से, ठीक है, मतलब ये क्या है, बिंदी बिंदी जो है ये एक एक पार्टिकल है, या फिर एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी लिख हाँ सकते, पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एच इनटू न्यू। न्यू क्या है इसमें, तो ये रियलिटी में भी यही है। रियलिटी में क्या पता, वो तो भगवान को ही पता है, अभी तक जो साइंटिस्ट ने बताया है उसी को हम रियलिटी मान के चल रहे हैं, है ना। तो जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, जो मोह माया है, हम लोग तो जो बताया लोगों ने वही मान रहे हैं, असली में क्या राज है वो तो हमें भी नहीं पता ना। जैसे इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ जाएंगे वो कुछ और बताएंगे, तो हमें वही मानना पड़ेगा, नहीं तो उतना सारा फिर साइंस पढ़ के फिर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो जो इन्होंने बताया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है उसके हिसाब से अगर कोई पूछे तो क्वांटम नाम क्यों पड़ा, एक तरह से क्वांटिटी, हम लोग क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं, तो आजकल हर जगह क्वांटम के बहुत मोटे मोटे बुक हैं क्वांटम थ्योरी पे, है ना। इन्होंने तो छोटा सा एक दिया था अपना पोस्टुलेट और अपना एजम्पशन और एक्सपेरिमेंट, लेकिन बाद में इस पर बहुत सारी चीजें निकली। तो आज भी जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ई इज इक्वल टू एच न्यू लगा रहे हैं
तो समझ लो कि यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो उसको मान रहा है ना। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू में न्यू क्या है? इस पे तो क्वेश्चन किया था हमने। वो फिर से भूल गया क्या था। बीच में दशहरा आ गया इसलिए कोई बात नहीं। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, इसमें मैंने लिखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, या फिर एच डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं? टी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा है ना। और मैंने बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है ना, वेयर डी को हम लैम्डा लिख देंगे, एस को वी लिख सकते हैं इंटू टी, या फिर वी को हम सी भी लिख सकते हैं, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ पर टी है ना। तो ई इज इक्वल टू एच एफ लिखेंगे, तो यहाँ एफ कहीं नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं एच बाई टी लिख देते हैं। तो एच बाई क्या हो जाएगा? टी है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई सी, या फिर एच इंटू हाँ सी बाई लैम्डा। तो तुम्हारे कितने सारे क्वेश्चन तो हो सकता है 5 मार्क्स का आ जाए, और वो तो तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, तो फिर वो पूरा क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगी, और ये फॉर्मूला आता है तो फुल मार्क्स है ना, थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, है ना। तो ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट से याद रखना है, और इसके लिए क्वेश्चन से उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके। तो इसके पोस्टुलेट वगैरह हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह नहीं पढ़ा था हमने, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच गया है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं पढ़ा है, ड्यूअल बिहेवियर पढ़ लिया है। देखो जहाँ पे ड्यूअल बिहेवियर है ना, पेज नंबर शायद 43 है, इसमें लिखा है E इज इक्वल टू एच न्यू, देखो हाँ 43 नंबर पेज में ना E इज इक्वल टू एच न्यू लिखा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 2.8 के सॉल्यूशन में। हाँ 2.8 में, और 2.6 में मुझे दिखा रहा है, 2.6 में भी होगा, 2.6 में भी है ना। हाँ यहाँ पे भी है टू तो इसमें H पॉइंट और सिक्स V नहीं पहले मानना है कभी भी, E और H न्यू है, इसलिए अच्छे से याद रखना है, जहां भी E इज इक्वल टू H करके V टाइप लिखा है वो V नहीं है, वो न्यू है ना, दैट इज फ्रीक्वेंसी नॉट वेलोसिटी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और उसमें गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ओके, इसमें अच्छा एक सीरीज वाला बच गया ना, लीमन सीरीज, बार्मर सीरीज, वो सब हो गया है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक बचा हुआ है, कॉलिंजर वेव इक्वेशन बचा हुआ है, एसपी ऑर्बिट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा वास्ट है, इसके क्वेश्चंस फिर आज ये वाले प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना भी आज मैंने ये फॉर्मूला जो किया है ना, जो भी बुक में किया है, E इज इक्वल टू एच न्यू सी बाई लैम्डा, ये सब ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, यस सर। तो अभी तुम्हारा स्कूल वगैरह नहीं जा रही, तुम्हारा ओपन स्कूलिंग है, कैसे है? तो नहीं तुम स्कूल जा रही हो डेली? नहीं तो गवर्नमेंट नहीं जा रही हो ना तुम? स्कूल है वहां पढ़ाई वगैरह तो होता नहीं, तो जाके टाइम ही वेस्ट होगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग तो पढ़े थे केवी में, वहां बहुत पढ़ाई होता था अच्छे से। नहीं यहाँ पे टिकारी में है दो तीन गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ कहीं भी नहीं होता। 10 का तो होता ही नहीं था, और 11 का तो और चौपट है। अच्छा चलो, तो जितना भी ये क्वेश्चन दिए ना, प्रॉब्लम्स जहां तक हमने पढ़ लिया है ना, ये सारा पढ़ लो अच्छे से, और इसमें मत बोलना कि मुझे याद नहीं है ना, फिर मुझे मजा नहीं आता है, फिर मुझे लगता है कि फिर पढ़ा रहा हूँ फिर तुम भूल जाओगे, तो फिर क्या फायदा आगे पढ़ाने का, है ना। तो इसको रिवाइज कर लेना, आज के समाचार यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना अगर लिया है तो। ठीक यस सर। है, ओके बाय।